अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नरमीन इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई सेल्थ एंड ब्यूटी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये ग्लैमरस आईज मेकअप शेयर कर रही हूं। तो सबसे पहले हम यहां पे आईब्रोज को फिल करेंगे। एक आईब्रोज जो है मैं नाइट के लिए फिल करूंगी और दूसरा जो है डे के लिए करूँगी। एक आईज पर नाइट वाला मेकअप करूँगी और एक पर डे वाला। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर लिया है और उसको डार्क ब्लैक कलर के अंदर मिक्स करके मैंने अप्लाई किया है। आज का तमाम मेकअप जो है ग्लैमरस फेस की पैलेट से मैं रेडी करूँगी। तो आप अगर कोई पैलेट बाय करना चाहती है तो ग्लैमरस फेस की पैलेट जो है वो बेस्ट है। आप उसको बाय करके फुल मेकअप जो है उससे कर सकते हैं। तो जी, आईब्रोज़ को मैंने फिल कर लिया है। आप अपनी आईब्रोज़ के हिसाब से भी फिल कर सकती हैं। अगर आपके आईब्रोज़ डार्क हैं तो आप लाइट कलर अप्लाई करें, यानी कि डार्क ब्राउन कलर अप्लाई करें। और अगर आपके आईब्रोज़ जो हैं वो बहुत ही लाइट हैं तो आप ब्लैक शेड भी अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं कंसील कर रही हूँ अपने आईब्रोज़ को। आईब्रोज़ को कंसील करने के लिए मैं एलेगर प्रो का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर को हमेशा अपनी स्किन टोन से एक टोन लाइट रखना चाहिए और लाइट रख के उसको अच्छे से आप अप्लाई करें ताकि आपके आईब्रोज़ जो है इन्हेंस होके आएँ। उसके बाद आप कोई भी पाउडर लेके उसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा। तो एक आईब्रोज़ मैंने नाइट के लिए और दूसरा डे के लिए मैंने फिल कर लिया है। आपको आज वाज़े फ़र्क दिखाऊंगी कि डे में किस तरह का मेकअप होता है और नाइट में कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। सॉरी गर्ल्स, यहाँ पे मैंने टेप अप्लाई करके येलो शेड अप्लाई किया था अपने ब्लेंडिंग ब्रश से। उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रश जिसके साथ मैं रेड शेड को अप्लाई करूँगी येलो शेड के लास्ट में और इसको अच्छे से ब्लेंड करती जाऊँगी ताकि ये इसमें से निकलता हुआ शेड नज़र आए। और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि ऊपर वाले शेड के साथ उठा उठा सा कलर ना लगे, इसके अंदर ब्लेंड हुआ लगे। तो इसके बाद हम दूसरा शेड जो है वो अप्लाई करेंगे। सेकेंड कलर जो मैंने चूज़ किया है वो है ब्लैक। ब्लैक शेड को जो रेड शेड था उसके लास्ट में बल्कि उसके ऊपर ही अप्लाई कर दूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लाइट सा क्रीज़ को कट किया है। कट करने के बाद यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी अच्छे से ब्लैक शेड जो है इसको आउटर वी पे अप्लाई करना है ताकि हमारा जो आईज मेकअप है वो इन्हेंस होता जाए। तो आउटर वी पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक शेड लेके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद फिंगर के साथ मैंने अप्लाई करना है बाकी मेटालिक शेड। मेटालिक शेड जो है ये भी मैं ग्लैमरस फेस की पैलेट से ही यूज़ करूँगी। गोल्डन शेड जो है उसको मैं चूज़ करके अपने मेटालिक शेड के साथ अच्छे से अप्लाई करती जाऊँगी। अच्छा जी, क्रीज़ पे मैंने गोल्डन शेड जो है उसको अप्लाई कर दिया है और फिंगर से आप जितना अच्छा ब्लेंडिंग कर सकते हैं वो किसी और से नहीं हो सकती, इसकी आप अप्लाई जो है अच्छे से कर लें। उसके बाद मैंने स्मज लाइनर जो है वो अप्लाई किया है। स्मज लाइनर को मैंने लाइट सा सिर्फ अपनी लैशेस के साथ ही अप्लाई किया। उसके बाद मैं लैशेज अप्लाई करूँगी और टेप को रिमूव करूँगी। टेप को रिमूव करने के बाद हमारा आईज मेकअप बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पर लैश अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल जो लैशेस होती हैं वो अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप मिंक लैशेस अप्लाई करना चाहते हैं या फॉल लैशेस भी आप अप्लाई कर सकती हैं। तो ये मेरा आईज मेकअप जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। अब मैं जो ऊपर शेड लगाए हैं सेम उसी तरह के शेड जो है वो नीचे अप्लाई करूँगी। पहले मैं ब्लैक शेड को अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर रेड शेड को अप्लाई करने के बाद जो येलो शेड मैंने सबसे ऊपर अप्लाई किया था उसको मैं मिक्स कर दूँगी इसके अंदर ताकि हमारा आईज मेकअप जो है वो कम्प्लीट हो जाए। तो आप इस तरह से अपना आईज मेकअप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप यहाँ तक वॉच कर चुके हैं तो लाइक कीजिएगा। तो मैंने आउटर कॉर्नर को भी मैंने हाईलाइट कर लिया है। उसके बाद मस्कारा अप्लाई करूँगी। तो मस्कारा आपने लाइट से अप्लाई करना है ताकि दोनों लैशेज़ जो हैं आपकी फेक लैशेज़ के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो गर्ल्स, सेकेंड पार्ट जो है इसका मैं डे मेकअप पे करूँगी। अभी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इस वजह से मैंने एक ही आईज़ का मेकअप जो है वो किया है। डे वाला मेकअप जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये देखें कितनी पावर ऑफ मेकअप है कि मेकअप के बाद आपकी आईज़ कितनी बड़ी और खुली खुली दिख रही है। इसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर जो है वो आपने ज़रूर अप्लाई करना होता है, उससे आपकी आईब्रोज जो हैं वो इन्हेंस होते हैं। और ब्रोज को हमने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया। तो ग्लैमरस फेस का जो हाईलाइटर शेड है वही मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। आप उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये थी मेरी फाइनल लुक। अगर आपको मेरा आईज मेकअप अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट